नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार तुषार से एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर, अपनी एक नई अनरैपिंग की वीडियो लेकर, या अनबॉक्सिंग आप बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग या अनरैपिंग करूँगा अपने ब्रूस्त्रो वायर बाउंड आर्टिस्ट स्केचबुक की, जो कि मैंने कुछ ही टाइम पहले मंगवाई है, जो और ये A4 साइज़ की है और इसमें 116 पेजेज हैं जो कि 160 GSM है। और मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो आज मेरे को टाइम मिला है, मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं अनरैपिंग करके दिखाऊंगा आपको। आज इसका सिर्फ अनरैपिंग करूंगा, रिव्यू नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी अभी तक जो भी स्केचेस बनाई हैं वो सिर्फ कांटे शीट में या आइवरी शीट्स में बनाई हैं। मैंने फर्स्ट टाइम दूसरों को यूज़ करूँगा और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो उसका आपको रिव्यू वीडियो भी बना के दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं अनरैपिंग को। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे आगे के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है पैकिंग, आप देख सकते हैं, इसको मैं कट करता हूँ। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग है, यहाँ पर आप ब्रूस्त्रो का लोगो देख सकते हैं, और ये है सारी डिटेल्स यहाँ पर, A4 साइज, 116 पेजेस और 160 GSM जैसे मैं आपको पहले बताया था। और इसको हम जो यूज़ कर सकते हैं वो है आइडल फॉर पेंसिल्स, पेन, पेस्टल्स, चारकोल इंक्स एंड लाइट वाटर कलर, मतलब ये मीडियम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाकी डिटेल है, नेचुरल ग्रेन है इसके शीट में, और बाकी हम इसको खोल के देखते हैं। इसको कट करता हूँ मैं, मैंने इसकी प्लास्टिक कवर हटा दिया है, शीट काफ़ी अच्छी है, थिक भी है काफ़ी 160 के GSM के हिसाब से, और इसमें ग्रेन्स भी है, सरफेस इसका काफ़ी अच्छा रफ है। बाकी तो मेरे को इसको यूज़ करके ही पता चलेगा कि ये कैसा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगा जब मैं इसको यूज़ कर लूँगा, जब इस पर मैं कोई एक स्केच बना लूँगा। तो इसका जो प्राइस है, जो मुझे मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, मुझे ये अमेज़ोन पे 500 रुपीज़ में मिला था। बाकी आज के वीडियो के लिए तो दोस्तों इतना ही, मैं आपको फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा अपने स्केच के साथ, या किसी दूसरे अनरैपिंग के वीडियो के साथ, कोई दूसरा आर्ट मटेरियल जो मैं अनरैप करूँगा।